दोस्तों ये है 2024 मॉडल मारुति सुजुकी एल्टो कैटन वी एक्स आई प्लस वेरिएंट, और ये जो गाड़ी है टॉप मॉडल है। और ये जो गाड़ी है दोस्तों सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली बेस्ट फैमिली कार है, बेस्ट फाइव सीटर कार है, और वो भी सबसे सस्ती गाड़ी है। और कम से कम बजट में मारुति सुजुकी की एक ऐसी गाड़ी है कि आप इसका कहीं भी सर्विस करवा सकते हैं, हर जगह इसका पार्ट्स मिल जाएगा, और सबसे कम प्राइस में सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली आपकी फैमिली के लिए सबसे बेस्ट कार है भाई। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये गाड़ी जो सबसे सस्ती आती है वो तो आती है, लेकिन ये जो टॉप मॉडल है ये 5,80,000 रुपये डिस्काउंट लेके आपको पड़ने वाली है ऑन रोड प्राइस इनायत नगर में अयोध्या यूपी में। अब ये जो गाड़ी है इसकी जो ऑन रोड कीमत है बिना डिस्काउंट की 6,36,000 रुपये है, लेकिन डिस्काउंट काट के आपको 5,80,000 रुपये पर पड़ेगी। और अगर आप फाइनेंस पे लेना चाहें तो 50,000, 60,000, 1,00,000, 2,00,000 जो भी आप चाहें वो डाउन पेमेंट भर के आप इस कार को खरीद सकते हैं, मारुति सुजुकी एल्टो कैटन वी एक्स आई प्लस 2024 मॉडल। अब ये जो गाड़ी है भाई 1,000 cc इंजन के साथ आती है, एल्टो 800 आती है वो 800 cc है, लेकिन ये 1,000 cc पावरफुल इंजन के साथ 24 का माइलेज देने वाली ये कार है। 24 का माइलेज, जब समझो कि मेरी बुलेट है वो 30-35 का माइलेज देती है, तो आपकी कार ये समझ लो 24 का माइलेज देगी। तो ये कार सबसे बेहतर है भाई कि आराम से शीशा बंद करके AC ऑन करके मस्त चलो 24 का माइलेज के साथ। चलिए सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल आप देख सकते हैं, तो ऊपर जो है ये आपका एंटीना आ जाएगा, सामने की जो विंडो है ग्लास कुछ इस तरह से, दो वाइपर वाशर आपको मिल जाता है, और इसका जो बोनट है इस तरह से आएगा। इसके आपको इंडिकेटर मिल जाता है 12 वोल्ट पे 9 वाट का बल्ब है, और हेडलाइट मिल जाती है 12 वोल्ट पे 60x55 वाट का हेलोजन बेस पे सिंगल पाइल लाइट मिल जाती है। न्यू शेप में आपको इसकी हेडलाइट मिलने वाली है, यहां पर भी आपको न्यू शेप की नई लाइट मिलने वाली है। आप सेंटर पे देखेंगे तो सुजुकी की यहां पर आपको क्रोम के एलिमेंट्स के साथ बेजिंग मिलती है, और सामने की जो ग्रिल है यह मैट फिनिश पे है, यानी कि ग्रिल जो है मैट ब्लैक फिनिश रहेगा। एल्टो कैटन यहां पर नंबर प्लेट आएगा आपका, और इसका जो बंपर है यह डुअल टोन फिनिशिंग के साथ मिलने वाला। इस तरह से आप पूरी गाड़ी का फ्रंट लुक देख सकते हैं, ये रहा इसका फ्रंट प्रोफाइल। अब चलिए साइड प्रोफाइल चलते हैं, तो यहां पर सबसे पहले आप देखिए इसका जो ORVM है ये पूरा बॉडी कलर पर नहीं आएगा, ये ब्लैक कलर आएगा, जो कि इस पे इंडिकेटर भी नहीं आता है, और यहां पर इंडिकेटर आपको मिलेगा इसके साइड के बॉडी पर, यहां पर आपका इंडिकेटर आएगा। अब यहां पर जो इसके अंदर भाई इसकी व्हील है वो स्टील रिडेल टायर दिया गया है इसके अंदर, जो कि 145x80 का है, 13 इंच का स्टील व्हील मिलेगा अल्टिमा का। आगे दो डिस्क ब्रेक ABS CVT ब्रेक असिस्ट के साथ आपको मिलेगा, टायर कुछ इस तरह से रहेगा व्हील कवर के साथ। अब रियर प्रोफाइल देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पीछे आपको ड्रम ब्रेक रहेगा, बाकी JK का ही टायर ट्यूबलेस टायर रहेगा चारों, ठीक है। साइज भी 145x80 का रहेगा, 13 इंच का चारों व्हील रहेगा, आगे दोनों में डिस्क ABS रहेगा, पीछे आपका रहेगा ड्रम ब्रेक। अब अगर आप इसका डोर का हैंडल देखेंगे तो कुछ इस तरह से डोर के हैंडल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे भी हैंडल मिल जाता है, और इसकी जो विंडो है साइड की कुछ इस तरह से मिल जाती है काफ़ी अच्छे लुक के साथ। अब रियर में देखेंगे भाई तो टेल लैंप्स आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा, ये बिल्कुल नए डिज़ाइन पे यहाँ पर आपको इसकी टेल लाइट मिलने वाली है, जो कि इंडिकेटर बल्ब है, ये ब्रेक लाइट है, ये रिवर्स लाइट है, काफ़ी अच्छे एलिमेंट्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको सुजुकी की ब्रांडिंग मिल जाती है, यहाँ पर देख सकते हैं एल्टो कैटन आपका लिखा रहेगा, यहाँ पर भी सेम मिल जाता है, और कुछ इस तरह से यहाँ पर आपका हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिल जाएगा। और अब पीछे से जो है ये गाड़ी पूरी इस तरह से दिखने वाली है, बिल्कुल नए शेप में, काफ़ी अच्छे स्टाइलिश लुक के साथ। एल्टो कैटन दो पार्किंग सेंसर आपको पीछे मिल जाता है, यहाँ पर एल्टो कैटन बढ़िया नई आपको टेल लैंप्स इस गाड़ी के अंदर मिल जाती है, कुछ इस तरह से रहेगा एल्टो कैटन। अब इसका जो बूट स्पेस है वो मैं आपको दिखाता हूँ, और बूट स्पेस भी समझ लो कि आपकी फैमिली का जो सामान है वो बहुत ही आसानी से काफ़ी अच्छे से मिल जाने वाला है। अब यहाँ पर देखिए इसमें आपको पार्सल ट्रे भी मिल जाता है, कोई चीज़ आप चाहें तो ऊपर बढ़िया रख सकते हैं, पार्टी वार्टी करनी है तो केक वगैरह यहाँ पर आप काट सकते हैं, बाकी बीच में यहाँ पर आपको इतना अच्छा सा बूट स्पेस मिल जाता है। स्पेयर व्हील भी आपको इसी के अंदर ही दी गई है, ये देखिए स्टेपनी जो है वो इसी के अंदर रहेगी, तो काफ़ी अच्छा खासा स्पेस भी आपको मिल जाएगा कि आपकी जो फैमिली है बहुत ही आराम से बढ़िया बैठ सकती है। अब चलिए इसका भाई आपको दिखाते हैं सीटिंग कैपेसिटी। सबसे पहले डोर देख सकते हैं, आगे के दो पावर विंडो और दोनों पीछे मैनुअली विंडो मिल जाते हैं, हैंडल इस तरह से, डोर के लीवर्स, स्पीकर चार आ जाते हैं, और बीच में आप देखिए कितना बेहतरीन स्पेस मिल जाता है, ये देखिए आप इस तरह से 3 लोग आराम से बीच में बैठ सकते हैं, और ऊपर आप देख सकते हैं इस तरह से, और स्पेस आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। अब मेन डोर पर देखेंगे तो ये आपका डोर के लीवर, विंडो इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आपका स्पीकर बोतल वगैरह आ जाएगा, हैंडल यहाँ पर, और यहाँ पर आपका मिलने वाला भाई AC के वेंट, और उसके बाद अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपका क्लच ब्रेक एक्सीलेटर का ऑप्शन, हेडलाइट यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, सीट कुछ इस तरह से मिल जाती है, और यहाँ पर आपका स्टीयरिंग आ गया, यहाँ पर वॉइस असिस्ट, और ये आपका कॉल मिसकॉल, यहाँ पर आपके पूरे कंट्रोल, सुजुकी की ब्रांडिंग, एयरबैग आपको SRS के दो मिल जाते हैं,
अब इसके अंदर म्यूजिक सिस्टम यहाँ पर आपको 7 इंच का मिल जाता है। इंफोटेनमेंट, एसी हीटर, पावर विंडो दोनों के यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं आप। सारी चीज़ें यहाँ पर 12 वोल्ट का चार्जिंग, यूएसबी ऑक्स सब मिल जाता है। 5 गियर यहाँ पर आपको मिला, हैंड ब्रेक यहाँ पर पूरा दे सकते हैं इस तरह से, ऊपर लाइट और यहाँ पर आपका ये मिल जाता है। और ये देखिए पूरा इस तरह से जगह रहने वाली है, ये देखिए पूरा सीट इस तरह से रहेगी। तो आपका इसका लुक कैसा लगा भाई इसके अंदर का, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ। आप गाड़ी की बात करते हैं इंजन और माइलेज की, तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर जो इंजन है ये सबसे पहले पेट्रोल पे है और K10C टाइप का इंजन है, 998 cc 3 सिलेंडर। मैक्सिमम पावर है इसके अंदर 49 किलोवाट का, 55 आरपीएम, 66.62 PS का, और मैक्सिमम टॉर्क है 89 Nm का है, 35 आरपीएम, और ये 5 MT यानी 5 गियर के साथ है। और इसका 27 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी यानी 27 लीटर पेट्रोल आएगा इस गाड़ी का। और फ्यूल टैंक यहाँ पर दिया गया, ये देखिए लेफ्ट साइड से आप फ्यूल टैंक इसमें पेट्रोल डलवा सकते हैं, इस साइड से भी आप पूरी गाड़ी देख सकते हैं। अब इस गाड़ी की जो कीमत है वो आपको पहले बता दी हूँ, 5,80,000 रुपये डिस्काउंट लेकर। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।